फिल्मी दुनिया में बहुत से चर्चित नाम होते हैं और हर साल दर साल नए सुपरस्टार आते रहते हैं, लेकिन एक जमाने के बाद उनकी पहचान गुमनामी में बदल जाती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें सदियों तक याद रखा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिन्हें बहुत लोकप्रिय माना जाता है, लेकिन असल मायने में इनके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक्ट्रेस उषा उर्फ सोनिया साहनी की। फिल्म बॉबी याद है आपको, उसमें ऋषि कपूर की माँ का रोल एक्ट्रेस सोनिया ने ही किया था। पर उस फिल्म से आप कंफ्यूज मत हों कि सोनिया बहुत ही ज्यादा चर्चित लीड एक्ट्रेस रही थी और उन्होंने कई फिल्मों में सेकंड लीड का किरदार भी निभाया है। सोनिया का परिवार सिख था, लेकिन पार्टीशन के बाद उनके माता पिता ने अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म को अपना लिया। सोनिया का असली नाम उषा साहनी था। इनके पिता थे लाहौर से और माँ थी पेशावर से। बंटवारे के बाद इनका परिवार कश्मीर आ गया था। इनके परिवार में 8 भाई बहन थे और उषा उनमें से सबसे छोटी और सबसे ज्यादा तेज थी। बचपन में वह बतौर थिएटर आर्टिस्ट काम किया करती और उनका टैलेंट फिल्म मेकर रूप शौरी और आईएस जोहर द्वारा पहचाना गया था। आईएस जोहर ने जब उषा को थिएटर में एक्टिंग करती देखा तो उन्हें मुंबई आने को कहा। 1965 में वो मुंबई पहुंची और मुंबई आते ही उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, पर उन्हें उषा के नाम से आपत्ति थी और उन्होंने उषा का नाम बदलकर सोनिया साहनी कर दिया। उस दौर में जब एक्टर और एक्ट्रेस के रोमांस को फूलों में दिखाया जाता था और सेंसर बोर्ड काफी सजग था, वहां अपनी पहली फिल्म जौहर और महमूद इन गोवा में उन्होंने आईएस जौहर को किसिंग सीन दिया था। इसकी चर्चा खूब हुई और उन्हें किसिंग गर्ल के नाम से फेमस कर दिया गया। उस समय इस किसिंग सीन को लेकर सेंसर बोर्ड ने भी बहुत आपत्ति जताई थी। उन्होंने अपने समय में देवानंद, किशोर कुमार, महमूद, संजीव कुमार, संजीत कुमार जैसे दिग्गजों के साथ में काम किया। फिल्म बॉबी में 1973 में वो मिसेज सुषमा नाथ के रोल में थी, जो कि उनकी उम्र से बड़ा था, लेकिन इसके बाद भी वो कई एक्ट्रेसेस के साथ सेकंड लीड में रही। दुपट्टा, बंदिश, सस्ता खून महंगा प्यार, कौन हो तुम, शाफत, उपासना, बुढ़ा मिल गया, अंदाज, जंगल में मंगल, जुगनू, चोरनी सहित सोनिया ने करीब 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और 2015 से 2017 में आए टीवी सीरियल संतोषी माँ में वो दादी के किरदार में थी। हालांकि उन्होंने इसके अलावा कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। जब सोनिया अपने करियर के पीक पर थी तब उन्होंने शिव पलिताना को अपना दिल दे दिया। शिव का बॉलीवुड से कोई नाता नहीं था और वो ब्रिटिश राज के दौरान प्रसिद्ध पलिताना रियासत के राजकुमार थे। उनका पूरा नाम शिवेंद्र सिंह गोयल था और अब सूरत या काठियावाड़ के नाम से भी उनकी जगह को जाना जाता है। ब्रिटिश राज खत्म होने पर ये रियासत भी बदल गई। शिव पहले से ही शादीशुदा थे और रॉयल परिवार से ताल्लुक रखते थे। सोनिया से शादी से पहले उनका एक बच्चा भी था। शादी से पहले कुछ समय तक सोनिया और शिव लिव इन में रहे थे। शिव उस वक्त कार रेसिंग जैसे रॉयल शौक भी रखते थे। इन दोनों ने 1976 में शादी की और कुछ समय बाद सोनिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। सोनिया उस वक्त सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि राज माता बन गई। सोनिया शादी के बाद भी एक्टिंग करती रही, लेकिन माँ बनने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। वो अपने संसार में खुश थी, लेकिन 1990 में शिव की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद शिव के परिवार वाले उनसे नफरत करने लगे और धीरे धीरे सोनिया ने अपना समय मेंटली चैलेंज बच्चों को स्कूल में पढ़ाने में बिताया। तो ये थी सोनिया की कहानी, जहां उन्होंने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देख लिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पति का जाना किसी श्राप से कम नहीं था। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।